fucking full. We'll always know. तो भाई आज है 31st, मतलब ये साल एंड हो जाएगा और नया साल आएगा 2022 कल। तो आज फिलहाल कहाँ जा रहे हैं? आज जा रहे हैं नैनीताल, और लेकिन कहाँ से जा रहे हैं? वो जा रहे हैं कालाडूंगी के रास्ते जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे, मे बी आप लोगों ने बहुत चीज़ें नहीं देखी होगी, और नैनीताल में कितना ज़्यादा रश है वो भी आप लोगों को पता चलने वाला है। और एक चीज़ और, पहले तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, थोड़ा बहुत देखो। अगर आप नैनीताल जाते हो ना, थोड़ा बहुत आपको पता होना कि नैनीताल की हिस्ट्री क्या थी। तो एक हमारे साथ एक सर जी हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे, तो थोड़ा सा हिस्ट्री उनसे जानेंगे, क्योंकि उन्होंने 25 साल बिताए अपने नैनीताल में, तो थोड़ा सा हिस्ट्री भी पता चलेगी। तो फिलहाल चलते हैं जल्दी से, ये सारी चीज़ों को नहीं कहा गया, ये और इसको अवॉइड करो। लेकिन देखो, हम लोग ना सुबह यहाँ पे चावल डाल देते हैं, जिससे क्या होता है ना, रोज़ तोते आते हैं या चिड़ियाँ आती हैं वो खाती हैं। देखो अभी सब लगे पड़े हैं मस्त करके, थोड़ा सा पास जाता हूँ। बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा है, देखो कितना प्यारा वेदर हो रहा है अभी। खुरपाताल मतलब हम लोग कालाडूंगी वाले रास्ते हैं ना, तो कालाडूंगी वाले रास्ते में खुरपाताल भी पड़ता है। तो आई मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा खुरपाताल का व्यू। तो ये है आपका खुरपाताल, अभी पूरा ढका पड़ा है। यहाँ पे इतनी अनएक्सप्लोर चीज़ें हैं ना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। थोड़ा सा ऊपर आए थे कालाडूंगी से, तो हम लोग को देखने को मिला सरिया ताल। तो आप लोग को दिखाते हैं सरिया ताल। भाई ये तो सिटिंग एरिया बहुत ज़्यादा प्यारा है इनका। तो इस सरिया ताल में बोटिंग्स भी अवेलेबल है भाई। देखो 31st वाला टाइम है, अब नैनीताल जा रहे हैं तो हिल स्टेशन जा रहे हैं, तो कुछ उसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो नैनीताल जाने के लिए रूट तो सभी को पता है, तो थोड़ा बहुत नैनीताल के बारे में मेरे साथ डांगी जी हैं, तो सर हमें बताएंगे कुछ नैनीताल के बारे में। तो सर आप कुछ, सर अप्रॉक्स 15-20 साल आप रहे हैं ना नैनीताल? हाँ, तो 25 साल रहे हैं, तो सर हमें नैनीताल के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताएंगे जो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहेगा। नैनीताल शुरू में एक जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा तालाब था, और ये जोलीकोट में बेलवा खान में एक थोकदार होते थे नरसिंह, उनकी प्रॉपर्टी मानी जाती थी, गांव वालों की प्रॉपर्टी। और वो जो है नीचे से अपने गाय भैंसों को ऊपर को हाँक देते थे, और यहाँ पे खत्तू में रहते थे, और यहाँ पे कुछ नहीं था, जंगल था, चारों तरफ से जंगल था। और यहाँ अंग्रेज शिकारी और अंग्रेज जो तीन लोग आए दोस्त घूमने के लिए, उनको यहाँ पे एक बहुत बड़ी झील दिखाई दी, तो 1841 में यहाँ की खोज की गई। तो ये जो अंग्रेज थे, एक पी बैरन और एक साजापुर में मोहन मैकिन कंपनी के मालिक, और एक जो है PWD के इंजीनियर थे, वो चिड़ियापुर हरिद्वार से चले और घूमते हुए कालागढ़ लालढांग होते हुए रामनगर कोटावार और बेताल घाट से ऊपर टॉप में आए, तो उनको एक यहाँ एक बहुत बड़ी झील दिखाई दी टॉप से, और वो एक शेर के पीछे आए, लेकिन वो शेर वहाँ से गायब हो गया। तो उनको दिखाई दिया कि ये इतनी बड़ी झील है, और यहाँ की जो हम क्लाइमेट है ये हमारे इंग्लैंड से मिलती है, तो यहाँ पे एक शहर क्यों ना बसाया जाए। हम तो उस समय जो है ब्रिटिश टाइम में राजधानी कलकत्ता में होती थी, आगरा में, और जो जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उनको बताया गया कि हमने शिवालिक हिल्स में एक स्पॉट खोजा है जिसका नाम है नैनीताल, और इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। नैनीताल की जो पहली बिल्डिंग है वो पिलग्रिम लॉज से नाम से जानी जाती है, नैनीताल क्लब के पीछे। तो ये पी बैरन नाम के अंग्रेज ने वो बिल्डिंग बनाई। उसके बाद अंग्रेजों को ने इसको आगरा पेपर में पब्लिश किया कि इन्होंने एक खोज की है, और वहाँ से अंग्रेज अधिकारी यहाँ देखने के लिए आए, उनको ये स्थान बहुत पसंद आया, उन्होंने यहाँ पर अपने रहने के लिए और घूमने के लिए एक प्लेस डेवलप करने की कोशिश की। इसके लिए उनको ज़मीन की ज़रूरत थी, उन्होंने नरसिंह थोकदार से कहा कि ये ज़मीन हमको बेच दी जाए, परंतु उन्होंने कहा ये मेरे गायों वालों की है और यहाँ पर हमारी गाय भैंस चलती हैं, हम नहीं बेच सकते हैं और मेरे गाँव वाले नाराज़ हो जाएंगे। तो अंग्रेज़ बाई हुक एंड क्रुक किसी भी चीज़ को लेना चाहते थे। वो कलकत्ता से जो है एक पाल वाली नाव, यार्ड जिसको बोलते हैं, वो लेके आए, अंग्रेज से दोस्ती की, उसको ना नरसिंह से दोस्ती की,
उनको ले गए और तालाब में और उससे पेपर साइन करवा लिए, क्योंकि डरा धमका के पेपर साइन किए, नहीं तो डुबाने की धमकी दी गई और उन्हें मजबूरी में जो है वो पेपर साइन किए। इस प्रकार ये स्थान जो है अंग्रेजों के कब्जे में आ गया और जो उसके बाद यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हुए। पिलग्रिम लॉज के बाद जो है लोगों ने अपनी कोठियाँ अंग्रेजों ने बनानी शुरू की। हम कालाडूंगी वाले रास्ते आ ही रहते तो सारे रास्ते को एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। तो अभी देखो एक एडवेंचर पार्क खुला है, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो थोड़ा सा नीचे जाके दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे हैं और मे बी स्टे का है। देखो लग तो बहुत सेक्सी रहा है, और फिलहाल नीचे चलते हैं और कुछ बातचीत कर लेंगे अगर कुछ होगा। देखो वो साइकिल चला के ला रहे हैं भैया एक वायर पर, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ बहुत सॉलिड सॉलिड है यहाँ पर भाई। बहुत मतलब थोड़ा सा नैनीताल से हटके बना रखा है और बहुत सॉलिड बना रखा है भाई। भाई बहुत बढ़िया जगह है यार भाई, यहाँ पे ज्यादा लोगों के साथ आएंगे ना और मजा आएगा। ओ भाई ये बाइक चलाने का अपना ही मजा है, जिप लाइन भी है। ये वाटरफॉल इतना प्यारा बना रखा है ना, आर्टिफिशियल है लेकिन बहुत प्यारा बना रखा है। पानी इसमें स्टोर हो रहा है और ये पाइप के थ्रू ऊपर निकल जा रहा है। अभी आप कालाडूंगी वाले रास्ते से आते हो ना तो एक पॉइंट पड़ता है लेंस एंड, तो अभी हम वहां का व्यू पॉइंट एंजॉय करने आए हैं। ये बैक साइड में है तो ये है जब आप कालाडूंगी से आते। भाई ये स्टार्टिंग है इस पॉइंट की, ये एंड है, ये बैंड है और यहाँ से हमें ऊपर जाना है। इससे पहले मैं भी नहीं आया हूँ, नहीं तो इतने बार नैनीताल आए लेकिन यारे पॉइंट से कभी भी नहीं आया। ओ भाई पॉइंट तो बड़ा धांसू दिख रहा है। तो भाई यहाँ से गए खुरपा ताल का व्यू आता है बहुत सही लैंड साइड, और वैसे करके नीचे से जाएंगे हम लोग। भाई इतना सही लग रहा है ना, लैंड एंड करके ये लोकेशन है, ब्रिटिश टाइम पे इसी नाम से बुलाया करते थे और यहाँ से इतना प्यारा खुरपा ताल का व्यू आ रहा है। तो ये वाली लोकेशन बहुत बढ़िया है विजिट करने के लिए, और नैनीताल से थोड़ा सा हटके भी है और व्यू भी बहुत अच्छा है। अभी तो आज क्या है ना मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है 31 वाले दिन, तो व्यू बहुत क्लियर मिल गया नीचे। भाई अभी जो हम हैं वो हैं नैनीताल से, मतलब मेन नैनीताल को जा रहे हैं, और अभी एक्चुअल क्या सीन है कि यहाँ पे ना देखो अभी रोड पूरी खाली मिल रही है क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और पुलिस वाले तो आपको हर जगह मिल जाएंगे अभी थोड़ा सा, और क्राउड ना बढ़ने लगा है, टूरिस्ट बढ़ने लगा है। तो पार्किंग का एक आपका अगर आप ये मतलब ये होगा ना कि व्लॉग अभी थोड़ी देर में आ जाएगा तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि पार्किंग का स्पेस कहाँ पे है। एक तो आप ग्राउंड में कर सकते हो नीचे, एक आपका ये सर कहाँ पे बी डी पांडे हॉस्पिटल है उसके सामने ये पार्किंग वाला एरिया है, ये भी आप देख रहे हो ये भी ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, लेकिन अगर आप आते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको पार्क। तो हम बात कर रहे थे क्राउड की, तो ये है भाई एक्चुअल क्राउड। अभी देखो लगता है शाम तक तो यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होगी सर। अभी आज क्या करते हैं ना ये ग्राउंड जो दिख रहा है नीचे ये भी पूरा खोल देते हैं पार्किंग के लिए। रिक्शा स्टैंड है ना, देखो कितना सही बना दिया अब मॉडिफाई करके, यहाँ के कल्चर पूरा कुमाऊं के कल्चर के हिसाब से डिजाइन कर दिया। अभी थोड़ी देर में ना ये सारा लेक भर जाएगा, देखो अभी भी कितना ज्यादा क्राउड हो गया है तो लेक पूरा भर चुका है, बोटिंग सारी बोट दिख रही होंगी आपको दूर दूर तक भी। और आज किस्मत इतनी अच्छी है ना, वेदर इतना ज्यादा बढ़िया है, बादल कितने प्यारे लग रहे हैं देखो, ब्लू स्काई एकदम, स्काई कितनी प्यारी लग रही है ना भाई यार, इसमें बैठ के रात को एंजॉय करने के लिए सही है रोड में। सबसे ज्यादा जो क्राउड मिलेगा आपको शाम को यहीं पे मिलेगा, सब लोग पूरी पब्लिक इकट्ठा हो जाती है। तो भैया देखो मेरा एज्यूम सही था, पार्किंग हो चुकी है फुल, अब हमें यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। देखो पार्किंग फुल, दिन के टाइम पे पार्किंग फुल हो गई है, अगर आप लोग आ रहे हैं तो पार्किंग के अकॉर्डिंग आओ। देखो तो घर की छत से ही व्लॉग स्टार्ट करा था और घर की छत पे ही आके व्लॉग एंड होगा,
तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। होप आप लोगों को इस ब्लॉग में मजा आया हो और सभी को न्यू ईयर एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो आज एंजॉय करना, फिर मिलते हैं नए साल में नई एनर्जी के साथ। तो फिलहाल बाय।